आस्थावान लेकर आस्था निकले साथ सदीर, सौराष्ट्र भूमि के दर्शन में यहां मिले संत फकीर। बार बीज के नाथ को समरो नकलंक नेजाधारी, यहां भजन के होते भड़ा का भारी, यहां भजन के होते भड़ा का भारी। जो ने धजा देखी ने धनी हां बरे, धजा देखी ने धनी हां बरे, ये ने देवल देवल देखी ने दुख जाय, आतो दर्शन दर्शन करता रामा पीर नाज रे, अरे आतो पंजना पाप धोवाय। पोकरणगढ़ के पीर बाबा रामदेव यहां विराजमान हैं हमारी सौराष्ट्र भूमि में। यह पवित्र मंदिर बाबा रामदेव का कालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर और जामनगर से 35 किलोमीटर दूर है। रणुजा, बाबा रामदेव का स्थान। अनेक कहानियां जुड़ी हुई है रामदेव जी के साथ। आपकी प्रशस्ति में पाठी हर जी ने कई भजन। कजो ने भाटी हर जी कागल मोकले, भाटी हर जी कागल मोकले, के तमे वाच जो वीरम देना वीर, हवे भगतोनी भांग जो भीर रे, मारा पोकरण गढ़ना पी। पल पल समरो राम दे, जो है अलख अवतारी, दोई कर जोड़ी बाटी हरजी कहे, धनी बनाया नेजाधारी। हरे अश्व पर सफेद वस्त्र पहनकर सवार हुए रामदेव पीर हर दुखी के दुख को मिटाते। आज भी आपके कई चमत्कार भक्तों और श्रद्धालुओं को मिलते हैं। तमने पीर जी परणावे, तमे परणो भाटी हर जी, परणो भाटी हर जी। आरे कलयुग मा कुवारा रहवादियो, आरे कलयुग मा कुवारा रहवादियो, राम दे परणावे, तमने पीर जी परणावे, तमे परणो बाटी हर जी, परणो बाटी हर जी। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, राधा के किशन कहान और न साथी कोई। लागी ऐसी लगन मेरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन मेरा हो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, लागी
जोगी मेलो में परी बनके जोगन चली बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। पूर्ण पुरुषोत्तम द्वारिकेश सहस्र नामधारी श्री किशन महाराज मथुरा से द्वारिका आए और सोने की द्वारिका का निर्माण किया। 52 गज की ध्वजा जो कहती है कहानियां गीता के गायक की और देती है हमें संदेश, ज्ञान धर्म की बात, जीवन संग्राम में भगवान के सहारे युद्ध जीतने का संदेश। रणुजा से यात्री यात्रा करते हैं, ओखा से होकर नाव में बैठकर बेट द्वारका स्थान की, समुद्र के बीच पुराण प्रसिद्ध स्थान बेट द्वारिका। यहाँ के पवित्र दर्शन का महात्म्य ही कुछ और है। बेट में स्थित मुरारी के दर्शन बाद यात्री की यात्रा चलती है। सुवर्ण नगरी द्वारिका की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने समंदर से विनती की, हे समुद्र मुझे कुछ जगह दे, मैं यहाँ नगरी बनाना चाहता हूँ। समंदर ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और द्वारिका नगर का निर्माण हुआ। द्वारिका नगरी का स्थान भारतवासी के, यहाँ पवित्र नदी गोमती जी का स्नान भी पवित्र है जो कई जन्मों के पापों का नाश कर। 52 गज की ध्वजा लहराती है समंदर के ऊपर और पवित्र गोमती जी का संगम, इसीलिए लोग इसे गोमती द्वारिका के नाम से भी जानते हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के दिन पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्मोत्सव होता ही रहता है, पर द्वारिका में लोगों की भारी भरकम भीड़ लग जाती है, मेला लगता है। पश्चिम समंदर के किनारे बसी इस पुरातन नगरी और धर्म नगरी की पूजा हर आस्थावान करता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वास किया और आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं हैं, कई खिलौने की दुकानें हैं और धार्मिक पुस्तक एवं साधन यहाँ उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि द्वारिका नाथ के दर्शन करने से और गोमती जी में स्नान करने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। ए जागने तू जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ विनाधन मां कौन जाशे। ए जागने तू जा दई तना दई थरा घी तना घे बरा कढ़ीला दूध ते कौन पीशे। ए जागने तू जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ विनाधन मां कौन जाशे। ए जागने तू जादवा। द्वारिका दर्शन करने वाले यात्री अवश्य मुलाकात लेते हैं नागेश्वर जी की, एक पवित्र एवं रमणीय स्थान। बहुत ऊंचाई वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा यहाँ विद्यमान है, सभी लोग दर्शन करने आते हैं। इस स्थान की महिमा भी अनोखी है।
क्योंकि सृष्टि के रचयिता श्री शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में इस जगह को एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार द्वारा किया गया और इस मंदिर का नव निर्माण भी गुलशन कुमार जी के द्वारा ही किया गया। हे सृष्टि तांडव रचयिता तप त्याग राज नमो नमः। हे जगत के विधाता, सृष्टि का सर्जन और विसर्जन करने वाले, तेरा जय जयकार हो, तेरा जय जयकार हो। हे जगत के विधाता, सृष्टि के सर्जन और विसर्जन करने वाले, हे महादेव, तेरा जय जयकार हो, तेरा जय जयकार। श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा ब्रह्म तेज ज्योति ललाट मा, श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा ब्रह्म तेज ज्योति ललाट मा, विष्णाग माला कंठ मा, विष्णाग माला कंठ मा, नटराज राज नमो नम, सतसृष्टि तांडव रचय। श्री महादेव नागेश्वर जी के दर्शन के पश्चात भक्ति यात्रा में आए सभी लोग निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण के इष्ट देवी माँ हर सिद्धि की यात्रा करने। कहा जाता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों माँ हर सिद्धि को यहाँ पर ठहरने के लिए विनती की थी। नागेश्वर महादेव से 65 किलोमीटर की दूरी पर है हर्षद माता का मंदिर जो मियानी गांव के पास स्थित है। पोरबंदर से माता जी का स्थान 40 किलोमीटर दूरी पर है। के जो ने धजा फरकती कोयले माड़ी नी धजा फरकती कोयले, ये भी आई मातणी अनूप आतो नर नारी, नर नारी आवी नमे जरे ए ए
नयन नमे मोटा मोटा भूप। मूल मंदिर पर्वत पर विद्यमान है, नीचे का मंदिर शेठ जगरू शाह ने बनवाया था। कहते हैं पहले माँ हर्षद का स्वरूप काफी क्रोधित था, उसकी दृष्टि से सभी चीज भस्मीभूत हो जाती थी, इसीलिए उसे कोयला डूंगर वाली माँ के नाम से जाना जाता। मारी जननी आखा जगत ने, जननी आखा जगत ने, ने मारी एक तारो आधार, माटे वेगे करवाने वार, ए तमे समझे आवो हर सिद्धि मात। ओम हर सिद्धे नमः। इस नाम के जप से कई संकट, कई यातनाएं, दुख, दर्द और रोग का शमन हो जाता है। तो दर्शन थाता मन हर खाता, रास रमाता रुमा जुमा, तो दुश्मन डरता परोड भरता, देवता कहता खमा खमा, सवना दुखड़ा जाता सुख वरता, तन चंद गवाता नमा नमा, आवी सौ आगे रक्षण मागे, हर सिद्धि बोले खमा खमा मारी, हर सिद्धि बोले खमा खमा मारी, हर सिद्धि बोले खमा खमा। माँ हर सिद्धि के दर्शन करने के बाद पाव विभोर यात्री सुदामापुरी यानी कि पोरबंदर की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा अंतरंग साथी सुदामा जी का मंदिर हमें ले चलता है उन सदियों पुरानी इतिहास की गाथा में जो 5000 साल से भी है। मंदिर के अंदर सुदामा जी का मकान भी अब तक मौजूद है और 84 परिक्रमा भी मंदिर के अंदर है जो सुंदर और दर्शनीय है। भगवान के सुदामा जी जो खुद अयाचक ब्राह्मण थे, जिन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, अरे अपनी दरिद्र अवस्था होते हुए भी भगवान किशन को भी कुछ बताया नहीं। श्री हरि की लीला तो अपार है, वो जान गए सारी बात। सुदामा पत्नी ने जो तांदूल भेजे थे उसे स्वाद के साथ खाया और खिलाया। अपनी लीला से पोरबंदर में कंगाल झोपड़ी की जगह बना दी एक विराट हवेली। यही तो है सुदामा मंदिर। वृंदावन को Oh,
बंदर का, समंदर से नाता द्वारिका का, समंदर से नाता भगवान सोमनाथ का। वंदे देव उमा पति सुर गुरु, वंदे जगत कारण, वंदे पन्नग भूषण मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, हे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। यहां से यात्रियों की यात्रा चलती है भगवान सोमनाथ महादेव के पवित्र दर्शन के लिए। वेरावल से होकर सोमनाथ महादेव का इतिहास प्रसिद्ध स्थान। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ महादेव। समंदर के किनारे विराजमान शिव जी। इस मंदिर पर विदेशियों के कई आक्रमण हुए, मंदिर ध्वंस करने की चेष्टा हुई, पर आज भी भगवान सभी की रक्षा करने बैठे हैं समंदर के पास। भारत वर्ष के प्रमुख शिव मंदिर में सबसे भव्य और पवित्र स्थान है सोमनाथ महादेव का। शेष नाग नोगल पटो करी, शेष नाग नोगल पटो करी, अने शंकर गए कैलाश, आतो अखंड तपस्या धारण की। ए मारा जय जय भोलेनाथ, सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्ताधार ना धाम, ज्या आपा गीगा ना मुकाम,
दुख दर्द था ए तमाम, एवा पीर परचा नाकाम। के जोने सताधार सतनो वावटो, आतो सताधार सतनो वावटो, ने वैला दान की गेव तनो वखनाय। पण राम रोटी ने राबड़ो जरे, ए जेना बाग मा होई खाय। गिगेव पीर के नाम से प्रसिद्ध आपा गीगा की परंपरा आज भी अपना मान सम्मान बरकरार रखे हुए है। कई साल से अन्न क्षेत्र महिमा सत्ताधार के द्वारा चलाया जाता है। मानव जग में आकर कर लेना दो काम, भूखे को अन्न और रोगी को दे आराम। भूखे लोगों को भोजन मिलता है और दुखी को कष्ट मुक्ति, ये है इस स्थान की महिमा। अनेक चमत्कारों से भरी है यहां की धरती। कुछ साल पहले पाड़ा पीर के नाम से एक चमत्कार ने भक्त लोगों को भक्ति में और डुबो दिया। के जो नगाजे नगारा गिरमा, ये वागाजे नगारा गिरमा, ने धनने पहाड़ा दार आतो परचा, ये वा परचा गिगे व पीर नाज रे। तमे संत जुवो सताधार। भक्ति का नाम है बहना, पानी की तरह बहते रहना। भक्ति यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जहां तक मन में श्रद्धा का दीप है, वहां तक यह ज्योति जलती रहेगी। सताधार से आगे चलकर लोग पहुंचते हैं बंडीधारी बापा सीताराम यानी कि बजरंगदास बापू के बगदाणा धाम। के बगदाणा वाला जोगी जटाला बंडी वाला बजरंगी, आवे सत्संगी सेवक जंगी, राम नाम में एक रंगी। तू बगदालम वाला शिष्य रूपाला, पिया पियाला सरभंगी, तू दिल विशाला, मां ममताला बापा दयाला, बजरंगी मारा बापा दयाला, बजरंगी मारा बापा दयाला, बजरंगी। आधुनिक संतों में सुविख्यात बापू बजरंगदास जी के कई चमत्कार आज भी लोग याद करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आज भी पूरे सौराष्ट्र में हर गांव में बापा सीताराम का स्थान है, गांव में लोगों के दिल में। बगदाणा मंदिर में बजरंगदास बापू की चांदी की मूर्ति विराजमान है। लोग यहां आते हैं, भक्ति से अपना मस्तक झुकाते हैं और बापा को याद करते हैं। हे बंडीधारी बापा हमें मदद करो, हे बंडीधारी बापा
हमारी रक्षा करो। के बंडी वालों बावलियों आतो बंडी वालों बावलियों ने जेने हरदम हये सीताराम पण याद करे त्या पहुंच तो जरे ए हयानी पुर तो हाम के जो ने बगदाना गा में बैठो बावलियों आतो बगदाना गा में बैठो बावलियों ये ने बजरंग बापा ये ना नाम पण कोई सीताराम ना कोई सीताराम ना जाप जपे जरे ए ये नाई कर तो काम तमाम। जोगी झलारे तारी प्रेम भरी अखियां भभूते भराणी दान जोगी तारी अखियां ए जोने संत भूमि सौराष्ट्रनी आतो संत भूमि सौराष्ट्रनी जावीरपुर रूडू धाम पण तो बापा बापा जलाराम त्या बिराजताज रे ए तो रटता सीताराम। मरे हुए पंछी को हवा में उड़ाने वाले संत भगवान की खरी कसौटी में पार उतरने वाले और साक्षात हरि को अपनी पत्नी वीरबाई मां सौंपने वाले भगत जलाराम बापा आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध संत है। बचपन से भक्ति में डूबे जलाराम जी गांव वीरपुर के छोटे से व्यापारी के पुत्र। दुकान में सामान बेचने में जी नहीं लगता, वे मुफ्त में बांटते सारी चीजें जरूरतमंदों को। यही भगत जलाराम और पत्नी वीरबाई मां ने अपनी मेहनत की कमाई से अंडर क्षेत्र शुरू किया जो आज 200 साल से भी चालू है। के अमी भरा वीरबाई मातना आतो अमी भरा वीरबाई मातना ने वा मायाळू बाळाई मुख पछी दुखड़ा दुखड़ा कोई दिया वे नहीं जरे ए न समझाए आवे सुख। वीरपुर मंदिर में अब कोई दान नहीं लिया जाता, अन्न क्षेत्र चालू है। यही तो चमत्कार है जला बापा का। ए सोरठ धरा वीरपुर रूडू धाम छे बापा जलाराम अवतरिया मुकाम छे रघुवंशी कुल तारण तरण तू कष्ट सगला काप जे जलाराम बापा सदायम पर रहम दृष्टि राख जे बापा रहम दृष्टि राख जे बापा रहम दृष्टि राख जे। सौराष्ट्र की भूमि यानी भक्ति रस की भूमि साक्षात श्री कृष्ण महाराज ने यहां किया। गिरनार यात्रा करने पुराण काल में सभी देवता आए। Thank you.
इस धरती को सोमनाथ, द्वारिकेश और आद्य शक्ति द्वारा मान सम्मान और हमारी धरा हो रट जग जुनी, हमारी धरा हो रट जग जुनी, अने वोलो गट जुनो गिरनार, ए या तो हाव जड़ा आवा हेंजल पिवे, ए ये ना नमना नरने ना। ओम अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अरिहंत को नमन, सिद्धों को नमन। समस्त जैन धर्म की आस्था के प्रतीक जैसे खड़े हैं जैन तीर्थधाम। खास तौर पर पालीताना जैन मंदिर अपनी अलग ही पहचान रखती है। करीब 863 से भी ज्यादा मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। वैसे तो ये तीर्थधाम जैन धर्मी के लिए है, पर सर्वधर्म के लिए द्वार खुले हैं। जैसे गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान विराजमान हैं, ऐसे ही सौराष्ट्र के अग्नि कोने में आए शेत्रुंजी पर्वत पर भगवान आदिनाथ विराजे हैं। भावनगर जिले में आए पालीताना और तीर्थभूमि शेत्रुंजय के दर्शन करने राज्य परिवहन मार्ग एवं रेल मार्ग से सरलता रहती है। भावनगर से सिर्फ 55 किलोमीटर की यात्रा है और रेलवे द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी है। हर जैन धर्मी अपने जीवन समय दौरान एक बार अवश्य कर लेते हैं। शेत्रुंजय नाम है। 1.5 किलोमीटर पर है यह पर्वतराज। यहाँ बनाए गए कलात्मक मंदिर पर्वत के मुकुटमणि जैसे दिखते हैं। ये नगरी और पर्वत मंदिर के श्रृंगार से विख्यात है। शिखर मंदिर में विराजमान है भगवान श्री आदिनाथ, कुमारपाल, विमल शाह, संप्रति राज और चौमुख मंदिर खास है। मंदिर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा 10 फीट ऊंची है। चार प्रतिमा चारों दिशा में मुंह से दिखाई देती है। ऐसे कलाकृति का निर्माण भी अपने आप में कला का एक उत्तम उदाहरण है। ये प्रतिमा वैशाखी सूद 13 और शनिवार के रोज सन 1919 में सोमजी और उनकी पत्नी रजाल देवी ने बनाई थी। ऐसी बातें हमें मिलती हैं। इस पर्वत पर करीबन 883 जैन मंदिर खड़े हैं। इसमें से कई मंदिर तो 11वीं शताब्दी और कई 16वीं सदी में बनवाए गए हैं। ज्यादातर मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं। पर्वत के पास ही शेत्रुंजी सरिता बह रही है। दृश्य बड़ा मनोहारी लगता है। शेत्रुंजी तीर्थ पहुंचने के लिए पालीताना गांव, हरियाले पेड़ों से हरा भरा विस्तार, यहाँ पर्वत पर 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई काफी कठिन है और यहाँ यात्रियों के लिए डोली की भी व्यवस्था अच्छी है। पर्वत पर हम खाद्य पदार्थ या सिगरेट वगैरह नहीं ले जा सकते। चढ़ाई बिल्कुल सीधी है लेकिन सीढ़ियाँ बेहतरीन है। मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए धर्माभिमुख होना बहुत ही आवश्यक है। शेत्रुंजय स्थान ऐसा ही एक स्थान है जो महातीर्थ या तो तीर्थराज कहा जा सकता है। माधवपुर खेड़ मधु यहां, तीसरे दरियालाल अमृतमय जीवन यहां, जहां खड़े कन्हैयालाल। कुदरत के कई करिश्मा दिखलाता हुआ सौराष्ट्र का यह विशाल समंदर, जो द्वारिका को हर्षद तक बिल्कुल उजड़ा उजड़ा लगता है। लेकिन विसावाड़ा से पोरबंदर और वहां से कड़च, माधोपुर, लोज, शील, मांगरोल और सोमनाथ तक भूमि हमें धर्म भूमि ही लगती है। औजत और मधुवंती नदी से सजी घेड़ भूमि यानी माधवपुर, यहां स्थित प्राचीन धर्म स्थानों के कारण धर्मा रेडेसा लगता है। इस भूमि की ज्यादातर आबादी रामदेवपीर, स्वामीनारायण और वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। वेला बाबा और रामैया जैसे संत घेड़ के ही निवासी थे। लीरलबाई जैसे स्त्री संत भी यहीं पैदा हुए। माधवपुर के आसपास कई संप्रदाय और धर्म से जुड़े लोग रहते हैं, खासकर कोली, पटेल,
खारवा, मेर, गुगड़ी, बरडाई, अबोटी, रबारी और बनिया यहाँ ज्यादातर दिखते हैं। सौराष्ट्र में प्राचीन द्वारिका मिलने की कई बातें सुनाई देती है। माधोपुर के पास ही एक ऐसा स्थानक है जो प्राचीन द्वारिका माना जाता है, या तो मूल द्वारिका कहा जाता है। इसीलिए तो माधवपुर को अध्यात्म एवं प्रकाश ज्ञान की भूमि कही जाती है। वैराग्य, ज्ञान और आराधना माधवपुर के तीन गुण गिने जाते हैं। समंदर के किनारे बसा हुआ माधवपुर, जो राजकोट से 160 किलोमीटर और पोरबंदर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां खड़े हैं माधव राय जी, उसका अति पुरातन मंदिर और पीछे से बनाए नए मंदिर में माधव राय जी और यहाँ की दो प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर लगती हैं। पुराण कथा कहती है कि जूनागढ़ भवनाथ मेला मनाकर रुक्मणि जी को भगवान कृष्ण भगाकर यहाँ माधवपुर ले आए और यहाँ ब्याह रचाया गया। चैत्री नोम और तेरस के दिन रामनवमी मेला यहाँ मनाया जाता है। सौराष्ट्र के तीन सुविख्यात मेले में माधवपुर मेला अपना अलग ही अंदाज रखता है। माधव राय जी का मंदिर 13वीं या 14वीं शताब्दी का माना जाता है। मंदिर में उत्तम शिल्प काम किया गया है, यहाँ पर प्राचीन कलाकृति के दर्शन किए जाते हैं। माधव राय जी के मंदिर का शिखर गोल गुंबज है। 16 स्तंभ वाले मंडप को सिंह मंडप कहा जाता है। इसमें 8 स्तंभ पर शिखर टिका हुआ है, बाकी के 8 स्तंभ मंडप और प्रवेश को सहारा देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परंपरा और आक्रामक क्रांतिकारी विचारधारा वाले संत भगवान ओशो के शिष्य स्वामी ब्रह्म वेदांत जी का आश्रम ओशो आनंद आश्रम पोरबंदर माधोपुर हाईवे पर माधोपुर गांव में सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां प्रकृति का आनंद, मौन संदेश, ध्यान और स्वामी ब्रह्म वेदांत जी की गूढ़ वाणी रोज सुनाई देती है। तुलसी श्याम, जिला जूनागढ़, गीर अरण्य में सबसे सुहाना धार्मिक स्थान, धर्म क्षेत्र तुलसी श्याम, 100 फीट ऊंचाई वाली जगह पर भीमचास धरा के नाम से रमणीय स्थान। यहाँ पर भीम एवं माता कुंती के मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और सुप्रसिद्ध कथा तुलसी विवाह की कथा के साथ जुड़ा हुआ पुरातन स्थान है ये तुलसी श्याम। कहा जाता है कि जब भी स्वयं भगवान को मनुष्य अवतार धारण करने की इच्छा होती है, तब वे सौंदर्य इस जगह पर जन्म धारण करते हैं। जहां पर सत्य है, वहां पर भक्ति, प्रेम और करुणा का आसन भी मिलेगा, और जहां पर शिव विराजमान है, वहां पर सदा सर्वदा कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। जिसके दर्शन मन को सात्विक एवं प्रसन्नता बना देते हैं, ऐसी है प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर। पुराण कथा में इस स्थान को भगवान इंद्र, जालंधरनाथ और कालनेची दानव राजा की बेटी वृंदा की कहानी के साथ जोड़ा दिया गया है। पुराण कथन के मुताबिक आज जिस जगह तुलसी श्याम स्थान है, वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने मनोहर उद्यान की रचना की थी और योगी स्वरूप धारण करके दुनी रमा कर बैठ गए। दूसरी कथा के अनुसार तल नामक दैत्य और विष्णु के स्वरूप धारण के साथ इस जगह को जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र घुमाकर तल दानव का मस्तक गिराया और फिर वह चक्र पाताल भूमि तक पहुंचा। जिस जगह वो पहुंचा, वहां से पानी के फव्वारे निकले। भगवान ने दानव के देह को स्नान करवाया और उसके पापों का नाश किया और खुद तल स्वामी के नाम से जाने गए। तुलसी श्याम एसटी 10 से हमें स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। यहाँ पर ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था है। मंदिर के पास ही सुंदर भोजनालय की भी व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया गया है। जिला लोकल बोर्ड द्वारा पथिकाश्रम की बड़ी इमारत बनाई गई है। यात्रिकों की सुविधा के लिए भाद्रपद सुदी 11 के दिन जल जीलन पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग श्याम जी महाराज के दर्शन के लिए बड़े चाव से उमड़ते हैं। गांव ऊना से तुलसी श्याम का फासला 29 किलोमीटर का है। जूनागढ़ से 123 किलोमीटर,
गांव विसावदर सत्ताधार धारी होकर रास्ता गुजरता है। जूनागढ़ से केशोर बेरावल कोडिनार और ऊना होकर भी तुलसी श्याम हम पहुंच पाते हैं। बिलखा कालातीत गिरनार की छाया में सोरठ भूमि में अखंड भक्ति और बलिदान की गाथा सुनाने वाली जगह यानी कुंवर चलैया की भूमि गांव बिलखा। जूनागढ़ से करीबन 30 किलोमीटर के फासले पर हम पहुंच जाते हैं गांव बिलखा। कहा जाता है यह गांव बिलखा पुराण समय से शियाल बेट के नाम से जाना जाता है। भक्त शेठ शगाड़शा सेठानी चंगावती और पुत्र चेलैया की दिल दहलाने वाली आंसू बहाने वाली कथा का यही स्थान है। कथा कहती है स्वयं भगवान ने अपने भक्त की खरी कसौटी के लिए भारी परीक्षा ली। इस बात की गवाही देते हैं यह स्मारक और ये वही जगह वही कुंडी जहां पर साधु स्वरूप भगवान की इच्छा अनुसार भक्त चंगावती ने अपने बेटे के सिर को कुचला था और आंसू बहाए थे। पत्थर दिल इंसान की आंख में आंसू आ जाए ऐसी दर्दनाक कथा भगवान ने अपनी भक्त की ऐसी कसौटी कर डाली। ये कहानी की बात हमें ये कह रही है इस स्थान की महिमा को भारतवर्ष में जो मशहूर कर देती है। ऐसे पवित्र धाम के दर्शन कर हमारा सफर जारी है और हम पहुंचते हैं सासण वन में। आइए अब हमारी यात्रा का नया झुकाव यानी विश्व प्रसिद्ध सासण वन। यहाँ की धरती के लिए कहा गया है संत सती शूरवीर की गाथा कहे गिरनार प्रेम रस और भक्ति रस वन सासण सदा बहार। आसमान को छूता हुआ खड़ा है जोगी गिरनार। कई संत और महात्मा सेवा भावियों से भरा पड़ा गिरनार तप और साधना की भूमि है। मंत्रगान से महकती है यहाँ की धरती। रक्षा करने के लिए खड़े है दत्त भगवान। हरियाली और प्रकृति सौंदर्य से सजी इस धरती अपने अमूल्य धन केसरी शेर के कारण पूरे विश्व में सुविख्यात है और यही जगह जिसे वन सासन के नाम से पहचाना जाता है। कई पशुपालक चरवाहे अपना मुकाम बनाए हुए यहाँ रहते हैं जिसे पहचाना जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा गिर अभ्यारण्य का संचालन किया जाता है। कहते हैं पुराने जमाने में शेर पेंथर लेपर्ड की बहुत सारी जाति थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान कुछ कम हुई थी पर आज़ादी के बाद शिकार के लिए प्रोहिबिटेड एरिया घोषित करने के बाद अब संग लगी है। कभी कभार शेर एवं पेंथर नर पक्ष है कैद करके सकरबाग छोड़ देते हैं। गिर अभ्यारण्य लेपर्ड हिरन लोमड़ी एक तलक फॉरेस्ट पत्ति से भर शासन द्वारा कायदा कुछ भी कार्रवाई न हो गिर महाल का मुख्य थानक का नाम गया। उस वक्त साई थे उन्हें अधिकारी की हैसियत से वन सुरक्षा अधिकारी बना दिए। अब हम चलते हैं प्राचीन स्थान प्राची के पास। 100 बार काशी 1 बार प्राची। पुराण प्रसिद्ध आस्था की जगह प्राची एक महान तीर्थ स्थान प्रभास क्षेत्र के धर्म स्थानों में एक अनूठा नाम प्राची। एक ऐसा स्थान जहां पर सरस्वती नदी पूरब दिशा में बह रही है। महाभारत के घोर रण संग्राम में गोत्र हत्या पाप निवारण के कारण धर्मराजा को भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की थी हे धर्मराजा तुम्हें गोत्र हत्या पाप निवारण के लिए गया काशी या पुष्कर जाने की जरूरत नहीं परंतु जिस जगह पूर्व दिशा में सरस्वती नदी का प्रवाह बह रहा हो वहां पर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में स्नान करने से सभी दोषों का निवारण हो जाता है। इसीलिए इस तीर्थ का महात्म्य दूसरे तीर्थों की तुलना में अधिक है। इसीलिए तो 100 बार काशी 1 बार प्राची कहा जाता है। इस स्थान यदुवंश को मोक्ष मिला था। प्राची तीर्थ में विराजमान माधव राय जी के दर्शन जाति प्राति के भेदभाव रहित मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। ये बात जानकर परम पूज्य महात्मा गांधी और कस्तूरबा यहाँ दर्शन के लिए आए थे ये एक ऐतिहासिक बात है। मानव मात्र एक समान
ये अनुसार उन्होंने माधव राय जी के इसलिए उनके देह विसर्जन के बाद और अस्थि विसर्जन प्राची तीर्थ मुरदास गांधी के हाथों करवाया गया। और अब हम चलते हैं माल बाबा। पावन भूमि सोरठ, यहाँ पर सदियों से नाग पूजा धूमधाम से मनाई जाती। स्वयं मंदिर इसके अनुसार